हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव। इनफर्टिलिटी के खिलाफ एक मुंह तोड़ जवाब के साथ हम लेकर आए हैं ये सीरीज जिसका नाम है नवजीवन एक्सपेक्टिंग न्यू लाइफ। दोस्तों, शादी के बाद हर कपल चाहता है कि वो अपनी जिंदगी के एक नए फेज में कदम रखे, एक ऐसा फेज जहाँ एक नन्ही सी जान उन्हें माँ और पा बुलाए। पर कभी कभी इस नए फेज तक पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। वेल, सच तो ये है कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि ये नामुमकिन सपना मुमकिन किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप तक पहुँचे सही नॉलेज और आपकी मुलाकात हो सही एंड राइट डॉक्टर्स से। जी हाँ, यही हमारी कोशिश है। और हमारी इस कोशिश में हमारे साथ मौजूद हैं फेमस ऑब्स्टेट्रिशियन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नंदिता पी पालशेतकर। एक नाम जो फर्टिलिटी के क्षेत्र में बहुत अहम है वो है नंदिता पालशेतकर। आईवीएफ जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को आम लोगों तक पहुंचाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आईवीएफ, आईयूआई, एक्सी, एमसी, जीआईएफटी स्पेशलिस्ट नंदिता पालशेतकर के कारण अब तक हजारों निःसंतान दंपत्ति संतान सुख प्राप्त कर चुके हैं। पिछले दो दशकों से इन्होंने गायनेकोलॉजी और फर्टिलिटी के क्षेत्र में नई संभावनाओं का विकास किया है, जिसके कारण इन्हें अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। आईवीएफ ब्लूम लीलावती, हरकिशन दास, डीवाई पाटिल और फोर्टी ग्रुप जैसे हॉस्पिटल्स में कार्यरत नंदिता पालशेतकर इस क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नंदिता, तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर नंदिता, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वेल, काफी कुछ सुनने में आता है, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेट मदर, पर ये चीज़ें हम सिर्फ कुछ कुछ आर्टिकल्स में पढ़ पाते हैं, इनका असली मतलब या असली टेक्निक हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो टू बिगिन विथ आपसे जानना चाहूँगी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं? बच्चे तो हमारे शरीर में तैयार होते हैं, यू नो, नेचुरली। जब घर नहीं थे, जंगल में रहते थे, तब भी बच्चे पैदा होते थे जी। तो इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस जो शरीर के अंदर होता है। हाँ जी। और काफ़ी लोगों में वो नेचुरली हो जाता है, बट इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आए और बच्चा नहीं हुए हो सके, तो फिर ये टेस्ट ट्यूब बेबी की जो प्रक्रिया है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो नेचुरल प्रोसेस है वो हम शरीर के बदले में लेबोरेटरी में ये बच्चा तैयार हो जाता है। मतलब ये सारा प्रोसेस लैब कंडीशंस में किया जाता है, हाउ इज़ दैट? ये जो लैब है ये ऐसे रॉकेट की जैसे होती है, यू नो, टोटली हाई फाई टेक्नोलॉजी, जो इंस्ट्रूमेंट्स अंदर है वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। okay. तो मैं तो उसे मेरी स्पेसशिप बोलती हूँ। तो एक बार हम क्या करते हैं कि ये जो एग्स है वो ले लेते हैं एंड उसे प्रोसेसिंग किया जाता है जी, कि एग्स ठीक है कि नहीं, अच्छे है कि नहीं। नॉर्मली अंकिता, अगर 10 एग्स मिले तो उसमें से 5 या 6 अच्छे होते हैं। अच्छा, ओके। सो हम ये अच्छे एग्स लेके फिर स्पर्म्स लेते हैं। नॉर्मली स्पर्म्स तो मिलियंस में होते हैं, जैसे हमने बात की, तो वो स्पर्म्स जो है हम सिर्फ मे बी 1 मिलियन या 2 मिलियन उठा लेते हैं। ओके। और फिर एक मशीन है जिसे हम माइक्रो मैनिपुलेटर बोलते हैं, बहुत ही फाइन होता है, मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप देखो तो अंडा जो है आंख से दिखता नहीं है। माइक्रोस्कोप के नीचे हमें वो 400 या 600 टाइम एनलार्ज करना पड़ता है और फिर वो दिखाई देता है। ओके। तो ये सब लेके मशीन में ये अंडा डाल देते हैं, स्पर्म्स उठाते हैं और एक एग लेके, एक स्पर्म लेके उसके अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। तो ये बेस्ट ऑफ स्पर्म और बेस्ट ऑफ एग भी सिलेक्ट किया जाता है? एब्सोल्युटली, नॉट सिलेक्शन एज सच बट क्वालिटी वाइज। एज ए डॉक्टर, आपके क्या पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करता है कि किस कपल को किस तरह का असिस्टेंस चाहिए कंसेप्शन में? टेस्ट ट्यूब बेबी ये एक अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। अच्छा। कि अगर हमारी दवाई से प्रॉब्लम्स ठीक नहीं कर सके या सर्जरी,
कोई ऑपरेशन करके हम ठीक नहीं कर सके तो अल्टीमेटली हम टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया यूज करते हैं. सी नाउ दिस टेक्नोलॉजी, उसके पहले एक इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करके सिंपल टेक्नोलॉजी है जो हम ट्राई करते हैं. बट काफ़ी कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल प्रॉब्लम होता है कि सीमन बहुत ही खराब है जी. तो वो सिंपल टेक्नोलॉजी से प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते. देन काफ़ी लड़कियाँ ऐसे होते हैं जिनको अर्ली मेनोपॉज आया है तो उनके पास अंडे नहीं होते तो बच्चा कैसा तैयार करे. तो ये बच्चा तैयार करने के लिए वी हैव टू यूज़ IVF टेक्नोलॉजी. या ट्यूब्स ब्लॉक्ड है जी. तो जैसे हमने पहले बोला कि नेचुरली होता है बच्चा जी. सदियों से, बट ट्यूब्स ब्लॉक होने की वजह से वो हो नहीं रहा है तो उनके लिए वापस IVF करना पड़ता है. मैम पर हमेशा से कहा जाता है कि एक माँ और उसके बच्चे के बीच का रिश्ता उन 9 महीनों में बनता है जो वो बच्चा अपनी माँ की कोख में बिताता है. तो अगर किसी कपल को टेस्ट ट्यूब बेबी होता है तो वो जो बॉन्डिंग है एक माँ बच्चे के बीच में, क्या वो उसी लेवल की रहती है? सी यही तो लोगों को समझ में नहीं आता है. टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब क्या? मैं सिर्फ बच्चा लेबॉरेटरी में तैयार करती हूँ और वो बच्चा लेबॉरेटरी में सिर्फ 3 या 5 दिन ही रह सकता है. अच्छा. फिर उसे उठा के हमको यूट्रस या थैली के अंदर छोड़ना पड़ता है. तो बच्चा पलता है 9 महीने उस लड़की के यूट्रस में. अच्छा. तो बॉन्डिंग का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि 9 महीने के लिए वो कैरी करती है वो बच्चा. तो कंसेप्शन सिर्फ लेबॉरेटरी में किया जाता है और उस कंसीव्ड एग को प्लांट किया जाता है उसी माँ के यूट्रस में. एब्सोल्युटली. मैम हमारा शो देखकर ऐसे कई व्यूअर्स हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे अपने सवाल पूछना चाहते हैं. बहुत सारे ईमेल्स हम तक पहुँचे हैं, उसमें से एक ईमेल मैं आपके लिए पढ़ती हूँ. बैंगलोर से आशा लता का ईमेल है. लिखा है कि मैं 28 साल की हूँ, शादी को 5 साल हो चुके हैं पर मैं अभी तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ. सोनोग्राफी से पता चला कि मेरी ओवरी के दोनों तरफ 3 से 4 सेंटीमीटर के सिस्ट्स हैं. डॉक्टर ने लैप्रोस्कोपी के बाद बताया कि ये चॉकलेट सिस्ट हैं. ये सिस्ट रिमूव करवा चुकी हूँ. मैं जानना चाहती हूँ कि ये सिस्ट दोबारा नहीं होंगे. प्लीज़ मुझे ये भी बताइए कि बच्चे के लिए मुझे किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए. मैं जल्द से जल्द माँ बनना चाहती हूँ. आशालता जी, आपको जो ये डिज़ीज़ है इसका जो वापस आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है तो इस चीज़ के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है. इनफैक्ट अगर लैप्रोस्कोपी की गई है, दैट इज़ द नॉर्मल ट्रीटमेंट जो है जो हम पहले करते हैं, तो 1 साल के अंदर बच्चा होना ज़रूरी है. ओके. क्योंकि अंकिता दैट इज़ द बेस्ट पीरियड टू कंसीव. ओके. क्योंकि ट्रीटमेंट हो चुकी होती है, डिजीज़ कम होती है जी. तो उसमें बच्चा रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. राइट. दूसरी चीज़ है आशालता जी, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो फिर हम सिंपल ट्रीटमेंट के बगैर IVF की तरफ मुड़ते हैं. इन पेशेंट्स में ना टेस्ट ट्यूब बेबी का जो टेक्नोलॉजी है दैट रियली हेल्प्स देम. सक्सेस रेट बढ़ जाता है. 28 साल की है एंड शी स्टिल ट्राइंग. तो इसके अलावा क्या हम उनको रेकमेंड कर सकते हैं? आई थिंक आशालता जी आप इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या सिंपल ट्रीटमेंट कर सकते हो. इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपके हस्बैंड की भी जाँच की जाए क्योंकि उनमें अगर प्रॉब्लम है तो टेस्ट ट्यूब बेबी करनी चाहिए. अगर हस्बैंड एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो आपका एज आपके साथ है और आपको बच्चा हो सकता है. लेकिन एक चीज़ है, एंडोमेट्रियोसिस जो है 20 या 30% लोगों में दोबारा आता है. Okay. और उनकी जो चिट्ठी थी उसमें लिखा था दोनों ओवरीज में सिस्ट है. तो दोनों ओवरीज में जब सिस्ट हो जाते हैं तो जो एग रिजर्व बोलते हैं जब अंडे होते हैं वो कम हो जाते हैं. Okay. तो अगर 1 साल के अंदर सिंपल ट्रीटमेंट से आशा आपको बच्चे नहीं हुए तो फिर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा. वेल डॉक्टर नंदिता, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. नवजीवन के साथ हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके जीवन के अंधकार को हम दूर मिटा सकें. अगले एपिसोड में इनफर्टिलिटी पे चर्चा आगे जारी रखेंगे, पर अभी के लिए मुझे आपसे कहना पड़ेगा बाय बाय, क्योंकि अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रोसीजर के साथ फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है. लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.